दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि होली का त्यौहार पूरे हिंदुस्तान में लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। लेकिन इसी हिंदुस्तान में एक ऐसी भी जगह है जहां लोग होली नहीं मनाते हैं। और दोस्तों, ये एक साल या दो साल से नहीं बल्कि सदियों से उस जगह लोग होली के दिन मातम मनाते हैं। होली के दिन उस जगह सन्नाटा छा जाता है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं राजा डलदेव राजभर से जुड़ी सारी बातों के बारे में कि कैसे उनके साथ छल किया गया, कैसे छल से उन पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया गया और होली का त्यौहार उस जगह क्यों नहीं मनाया जाता। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इतिहास के अनुसार 11वीं सदी में उत्तर भारत का लगभग पूरा क्षेत्र श्रावस्ती सम्राट सुहेलदेव के राज्य में था, परंतु 12वीं सदी आते आते मुसलमानों के आतंक से भरों की राज्य व्यवस्था काफी प्रभावित हुई। यहां तक कि हरदोई के भर राजा हरदेव को सवर्णों की मदद से मुसलमानों ने पराजित किया तथा जबरन भरों को मुसलमान बनाने का अभियान छेड़ दिया। दोस्तों, मुसलमानों का यह धार्मिक दमन 13वीं सदी तक चलता रहा। आत्मरक्षा के लिए भर जात का पलायन होने लगा, उनकी राजसत्ता कमजोर होने लगी थी। दोस्तों, 14वीं सदी के अंतिम वर्षों में भारसियु एक बार फिर से संगठित हुए और उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई। 15वीं सदी आते आते भर राजा डलदेव ने मुसलमानों के सरकी राजवंश, विशेषकर जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह सरकी के धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध रायबरेली के प्रख्यात बैस राजपूतों से सहायता प्राप्त कर जनपद में अपनी सत्ता हासिल कर ली। दोस्तों, राजा डलदेव उस समय सभी भारसियु राजाओं के नेता बन चुके थे। इन्होंने डलमऊ को अपनी राजधानी बनाया और वहीं किला बनाकर रहने लगे। इनके छोटे भाई बलदेव रायबरेली के राजा बने। तब रायबरेली का नाम भारसियु राजाओं के आधार भरौली था, जो बाद में रायबरेली हुआ। दोस्तों, इब्राहिम सरकी डलदेव के जनबल, सैन्य बल और उसकी व्यक्तिगत वीरता से परिचित था। डलदेव पर सहसा आक्रमण करने का साहस उसे नहीं हुआ। उसे बताया गया रायबरेली भरों के नेतृत्व में एक सबल राज्य बन गया है। वहां 25 किलों का निर्माण हो चुका है। जौनपुर में जब से केरार का किला और अटाला देवी का मंदिर तोड़ा गया, तब से भारसियु मुसलमानों के खून के प्यासे हो गए। सुल्तान ने अपने मंत्रियों को राज दरबार में सोच विचार के लिए बुलाया। अब तक सरकी साम्राज्य में पंडितों का समावेश हो चुका था। पंडितों ने बताया, भर एक बहादुर जाति है, पर अभी होली का समय आ रहा है, इसे भारसियु बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। भांग और देसी शराब पीकर खूब मस्ती करते हैं और सबसे बड़ी बात, उस दिन तलवार नहीं उठाते हैं। दोस्तों, ऐसा मौका पाकर इब्राहिम शाह सरकी ने चुपके से आक्रमण कर दिया और फिर परिणाम क्या हुआ होगा, आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, डलमऊ क्षेत्र के लोग आज भी उस विनाशकारी की होली की स्मृति में होली नहीं मनाते और महिलाएं विधवा का प्रतीक बनकर उस दिन अपनी नथुनी और चूड़ियां उतार देती हैं। भारसियु राजा डलदेव एवं बलदेव के एक भव्य स्मारक डलमऊ से 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पखरौली में बना हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी आपको पहले से पता थी या नहीं पता थी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, राजभर समाज से जुड़ी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि दोस्तों इस तरह के वीडियोस हर रोज आपके पास पहुंचते रहें। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।